हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज जो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ वो मसाला लच्छा पराठा है। इसको बनाना बहुत ही आसान है। आप देखेंगे ये एकदम लेयर कितनी अच्छी खुल रही है इसकी, ऐसे ही खुलती है। तो जिस तरीके से मैंने बनाया है उसी तरीके से आप बनाएं और बना के फिर मुझे बताएं कि हाँ कैसा लगा आपको। तो इसको आपको ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं वीडियो में लेके चलता हूँ और बताता हूँ कि इसको बनाने में किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है और इसे कैसे बनाया जाता है। तो मिलते हैं आगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज जो मैं आपको बनाने के लिए दिखाने के लिए लाया हूँ तो वो है हमारा लच्छा पराठा। और इसको बनाना बहुत आसान है। तो इसको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, खाली आटा है। ये हमने 2 कप आटा ले लिया है और यहाँ पे ये देख रहे हैं आप, ये चाट मसाला है, ये लाल मिर्च पाउडर है, ये सारा चौथाई है, नमक स्वाद अनुसार, थोड़ा धनिया का पत्ता और ये दही। ये दही हम इसको जब अभी बाइंड करेंगे, सानेंगे तो हम इसके अंदर यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से ये बनता है पराठा। इसको अचार के साथ खाओ, दही के साथ खाओ, नाश्ते में जब भी आपको खाना हो तो खा सकते हैं इसको। तो मैं इसकी आगे तैयारी दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों ये देखो, ये जो लाल मिर्च है और ये चाट मसाला, ये दोनों एक साथ ही हम मिला देंगे और इसको मिक्स कर देंगे। हमने मिक्स कर दिया, इसको कर दिया साइड पे। और ये हम आ गए हमारे आटे पे। 2 चम्मच जो है इसमें ये दही, ये हमने डाल दी। और हमारा जो नमक था वो नमक हमने इसमें डाल दिया। अब इसको हम दोस्तों ये देखिए, ये मैंने डो तैयार कर ली है बढ़िया से। इसको हमने सान के गूंद के तैयार कर लिया है। ये देखिए इस तरीके से हम इसको, पहले ये लोई बना ली हमने, लोई को हमने ऐसे कर लिया। अब ये रखा, पहले यहाँ पे थोड़ा सा हम आटा डाल देंगे इस तरीके से। ये देखिए जिससे सरफेस पे हमारा चिपके ना, ये हो गया। अब इसको हम बेल देंगे। तो ये देखिए दोस्तों, ये मैंने बढ़िया सा बेल लिया है। अब काम जो हमारा है, इस पे हम लगाएंगे थोड़ा सा ऑयल। और जो हमारा मसाला है वो मसाला हम इस तरीके से स्प्रिंकल कर देंगे इसके ऊपर। हमारा ये मसाला इसमें चिपक गया। अब ये धनिया की जो पत्ती है उसको भी हम इस पे इस तरीके से ऐसे लगा देंगे। और ये देखिए, अब इसको हम लच्छे पराठे की तरीके से ऐसे ये हो गया और ये हो गया। अब इसको इस तरीके से हम ऐसे राउंड कर लेंगे। ये देखिए ये हो गया। इस पर हल्का सा ऑयल रब कर दिया हमने इधर और इसको रख देंगे रेस्ट के लिए। अब इसको जो है मैं टाइम, आप कम से कम इसको रख देना 10-15 मिनट के लिए, तो ये रेस्ट हो जाएगा। अच्छा, अब मैं इसको फिर से ऐसे बढ़िया से बेल लेता हूँ। तो दोस्तों देखिए, मैंने दोनों को क्या कहते हैं बेल लिया है। आप भी इसी तरीके से बेल लें। और अब मैं इसको फ्राई करने के लिए जाता हूँ, इसमें फिर बनाता हूँ। ऐसे बनाते हैं और गैस कर दिया ऑन और इसको होने देते हैं गर्म। तो ये देखिए दोस्तों, पैन हमारा हो चुका है गर्म। इस पर डाल देते हैं घी, इसको हम चारों तरफ फैला देते हैं। आँच कर देते हैं मीडियम। हम अपना पराठा जो है ये देखिए डाल देते हैं इस पर। एक साइड से जो ये हो जाएगा सही से, फिर हम इसको पलटेंगे। थोड़ा सा इसको हल्का सा होने देते हैं, ये इस तरफ भी हल्का सा हम घी, देखिए किनारे किनारे से हल्का हल्का सा घी डाल दें। तो इसी तरीके से बनाइएगा जैसे मैंने बताया है आपको। ये बहुत अच्छा लगता है मसाला पराठा, बढ़िया एकदम से इसको गोल्डन होने देते हैं हम। ये देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है। आँच हमने कम ही रख रखी है, ज़्यादा तेज नहीं रख रखी, जिससे धीरे धीरे ये पकेगा। अब इसको मैं तैयार कर लेता हूँ, उसको दूसरे को डालता हूँ तब दिखाता हूँ आपको, तो दिखाता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, ये दूसरा वाला पराठा जो है उसको भी मैंने बढ़िया से मस्त एकदम कर लिया है फ्राई। तो आप अगर हमारे साथ नए जुड़े हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और हमारा सपोर्ट ज़रूर करें। तो ये हमारा हो गया। अब मैं इसको जब सर्व करके वहाँ पर सेट करता हूँ, तो ये देखिए ये हमारा पराठा बढ़िया तैयार हो गया है। हमने दही रख दिया और थोड़ा मसाला उसी को हमने उस पर स्प्रिंकल कर दिया धनिया के साथ। अब ये लच्छा देखिए आप कितना अच्छा है। एक एक तार ऐसे खोलेंगे तो बढ़िया सारा का सारा लच्छा खुलता चला जाएगा। तो इसी तरीके से बनाइए जैसे मैंने बनाया है। तो आप लोग जब पसंद आएगा तो ज़रूर लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। तो आज की वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, नए दिन क्या बनाते हैं तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। टाटा, बाय बाय।